गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग कंप्लीट हो गए थे। आयनन एंथैल्पी कंप्लीट हो गई, अब आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, देखो आपने आयनन एंथैल्पी की परिभाषा की थी कि उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई थी वो आयनन ऊर्जा थी, और उसके मध्य जो एंथैल्पी परिवर्तन था वो आयनन एंथैल्पी थी। भेजने का मतलब बाहर निकालना। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, इनके मध्य जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जोड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, वो तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और भेजने का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, वो आयनन एंथैल्पी। तो देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को डेल्टा ई जी एच द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मात्रक भी किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। ओके बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इनके मध्य जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ओके बच्चों, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इनके मध्य जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को डेल्टा ई जी एच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है
ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। क्या होता है? किलो जूल प्रति मोल। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु व किलो कैलोरी प्रति मोल में मापते हैं। ओके बच्चों, जैसे अक्ष है, कोई भी तत्व उदासीन विलगित गैसीय परमाणु अक्ष है, गैसीय अवस्था में है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और क्या बना लेगा? अक्ष माइनस। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। प्लस ऊर्जा। ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्या है? उदाहरण है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इनके मध्य जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को डेल्टा ईजीएच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु व किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल में मापते हैं। जैसे कोई उदासीन विलगित गैसीय परमाणु है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और क्या बना रहा है? अक्स माइनस। ओके बच्चों, अब देखो 17वें वर्ग हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है। आपसे पूछा जाए 17वें वर्ग हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है, क्यों? तो आप बताओगे 17वें वर्ग हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है क्योंकि यह मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेती है। क्या प्राप्त कर लेती है? उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास। नोट नंबर 2 है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। हेलोजन की तो ऋणात्मक क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेंगे, और उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? धनात्मक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है। इस कारण उत्कृष्ट जो अस्थायी विन्यास होगा, इस कारण उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? धनात्मक होती है। ओके बच्चों, तो अपन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में नोट नंबर 1 पढ़ेंगे, 17वें वर्ग हेलोजन, 17वें वर्ग हेलोजन की
इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है। सत्रहवें वर्ग हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है क्योंकि यह मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। ओके बच्चों, जैसे फ्लोरीन है, गैसीय अवस्था में है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा? फ्लोरीन माइनस, गैसीय अवस्था में। इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है -328 किलो जूल प्रति मोल। सत्रहवें वर्ग हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है क्योंकि देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5 7, 8 और 9। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही क्या बन गया? 1s2 2s2 2p6 बोलो 7, 8, 9, 10, 9 और 1, 10। तो है सत्रहवें वर्ग हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है क्यों? तो आप बताओगे क्योंकि यह मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण सत्रहवें वर्ग हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? अधिक ऋणात्मक होती है। ओके बच्चों, देखो पहले 5 थे पी में, अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते कितने हो गए? 6, 6, 2, 8। उत्कृष्ट गैसों जैसा विन्यास प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कितनी होती है? -328 किलो जूल प्रति मोल। ओके बच्चों, अब देखो नोट नंबर 2 करोगे आप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में ही। नोट नंबर 2 है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान
क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, जो अस्थाई विन्यास होता है। ओके बच्चों, अब देखो तो उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, जो क्या होता है, अस्थाई विन्यास होता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी वर्तमान से अगले में कैसे जा रहा है। हीलियम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और इसकी ऊर्जा है 48 किलो जूल प्रति मोल। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हीलियम माइनस बना रहा है 1s2 2s1। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर कौन सा है, 1s, वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है। वर्तमान क्वांटम स्तर 1s है और अगला क्वांटम स्तर कौन सा आ गया, 2s। बोलो, 1s से इलेक्ट्रॉन किस में गया, 2s में, जो अस्थाई विन्यास होता है। इस कारण उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, धनात्मक होती है। ये है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो आपने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है। उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोष से अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इनके मध्य जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा गया। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को किसे दर्शाया, डेल्टा EgH से। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मात्रक क्या था, किलो जूल प्रति मोल। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु व किलो कैलोरी प्रति मोल में भी मापते हैं। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन लब्धि, जैसे फिर मैंने एग्जाम्पल बताया, कोई भी उदासीन गैसीय परमाणु अक्स है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और क्या बना रहा है, अक्स माइनस। फिर मैंने नोट करवाए, नोट नंबर 1 में करवाया, 17वें वर्ग हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है, क्योंकि वह मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है, उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया, फ्लोरीन है, पहले उसका विन्यास 1s2 2s2 2p5 था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्या बना लिया, F माइनस। अब F माइनस होते ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6, यानी उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त हो गया। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कितनी थी, -328 किलो जूल प्रति मोल। फिर मैंने नोट नंबर 2 करवाया, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, जो कैसा विन्यास होता है, अस्थाई विन्यास होता है। ओके बच्चों, जैसे हीलियम है, हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया,
इसकी ऊर्जा कितनी है? 48 किलो जूल प्रति मोल। क्या बना लिया? हीलियम माइनस, 1s2, 2s1। वर्तमान से किस में प्रवेश करना पड़ा? अगले क्वांटम स्तर में। ओके बच्चों, ये आपकी हुई इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ओके, अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आवर्तीता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।